नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अलावत। आज हम बात करते हैं भाजपा की कद्दावर नेता किरण चौधरी की। जी हां, वही किरण चौधरी जो वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में रही, अनेक पदों पर रही, वो मंत्री भी बनी हरियाणा सरकार में और वो दिल्ली में जो है वो स्पीकर भी बनी विधानसभा की। लेकिन इन तमाम जो है करीब 20-25 साल के अपने उनके जो कांग्रेस पार्टी के अनुभव थे उनको देखते हुए आज वो जब गोलागढ़ गाँव यानी कि चौधरी बंसीलाल जी का जो पैतृक गांव उनमें उसमें पहुंची तो बेहद भावुक नजर आई। 19 साल पहले याद आ रहा है, सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद सारी जो घटनाएं सामने थी वो आप सबके सामने, और चौधरी सुरेंद्र सिंह हमारे मेरे लिए एक बहुत ही भावुक क्षण है। 19-20 साल आपके बीच में रही, मेहनत से आपने आपके बीच में काम करा, और आज जो चौधरी बंसीलाल जी का सपना था, सुरेंद्र सिंह जी की जो सोच थी, जो अधूरी रह गई थी, वो आज आप लोगों ने आने वाले समय में जो नीतियां हैं, जो काम है वो आगे लेकर जाएंगे। नियत ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और वो काम जो है वो घर घर पहुंचाना आप लोगों का जो है जिम्मेदारी। आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और बंसीलाल जी की आत्मा जहां भी है वो ये देखकर संतुष्ट होगी और उसको गर्व होगा कि जो रास्ते के ऊपर उन्होंने जो रास्ता दिखाया था आज जो है वो मैंने पूरा करा है, और अब आपकी बेटी का बरन दुआ को लेकर और दबा के काम करेंगे। भाई चिंता ना करें, मैं जो हूँ अंग्रेजी में कहते हैं पासिंग ऑन द बेटन, वो मैंने श्रुति को दे दिया है, तो आपने संभालना है, आगे संभालूंगी। लेकिन संभालेगी श्रुति भाई, और इसकी सहायता करोगे आप लोग, क्योंकि आप उनका परिवार। उन्होंने भावनात्मक रूप से जो है जुड़ाव करते हुए लोगों से कहा कि आपके जो सपना था चौधरी बंसीलाल जी का जो सपना था कि पिछले वो जो 20 साल के अपने सफर में राजनीतिक सफर में पूरा नहीं कर पा रही थी, आज वो उनका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में साकार होता दिखाई दे रहा है। जो गोलागढ़ गाँव का जो विकास है या उस भिवानी क्षेत्र का विकास है जो सालों से अटका पड़ा था वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। उनका इस आज का जो वक्तव्य था, जो लोगों को भावनात्मक जोड़ की बात थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब जो है वो आपका जो क्षेत्र है ये मैं श्रुति के हवाले करती हूँ और श्रुति चौधरी आपके आपको सौंपती हूँ, आगे भविष्य में आप श्रुति को संभालें और श्रुति आपको देखेगी। कुल मिलाकर जो आज उनका जो भाषण था, गाँव के लोगों को जो उन्होंने कहा, क्षेत्र के लोगों को उन्होंने जो संबोधित करते हुए कहा, वो कहीं ना कहीं एक जो उनकी जो सालों की एक टीस थी कि वो कांग्रेस पार्टी में सालों काम करने के बावजूद भी जिस मुकाम पर वो नहीं पहुंच पाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा सांसद बनकर और बेटी श्रुति चौधरी को मंत्री बनवाकर जो आज जिस मुकाम पर वो पहुंची हैं, कहीं ना कहीं वो संतोष व्यक्त करती आज दिखाई दे रही हैं। उनके भाषण को आप देख सकते हैं जिसमें वो लोगों से सीधी भावनात्मक अपील करती देखी जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।